तकरीबन 14 या 15 साल बाद यहाँ आने का शरफ हासिल हो रहा है। क्योंकि फ़्लाइट भी थी चंदन भाई की और हमारी, तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि 2 बजे पढ़ा दीजिए ताकि, लेकिन अब ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट मेरे पास है। मैं चाहता हूँ कि कुछ कतार और तरही कलाम हाजिर कर दूँ। तरही कलाम में मैंने इतनी मेहनत की है, 7-8 साल बाद मैंने मेहनत की है ताकि ये कलाम मैं हर जगह कह के पढ़ सकूं कि ये बड़ा गांव शाहगंज का मिसरा था, इस पे कलाम कहा। और अब जब आप कलाम सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि इस तरह का कलाम 7-8 साल से मैंने नहीं कहा था। मैं पहले चंद कतात हाजिर कर दे रहा हूं और आपको फिर याद दिला दे रहा हूं कि आज 13 रजब की महफिल थी। कई लोगों ने ये सोच रखा है कि महफिल को मुसालमा बनाना है, और मैं, मेरा यही काम होता है कि मैं फिर उसको महफिल बना दूं। मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं। एक साहब ने पूछा कि जब आप बहुत अच्छा शेर पढ़ते हैं, कहा ये अच्छा शेर क्यों नहीं कहते? हमने कहा जिसे आप अच्छा शेर कहते हैं वो मेरी नज़रों में अच्छा नहीं होता, लेकिन उस तरह का शेर मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि जब मैं पढ़ता हूँ और दाद नहीं मिलती तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो उन्होंने कहा कि आप महसूस क्या करते हैं? तो मैंने ये 4 मिसरे कहे थे कि दाद जब मिलती नहीं बेताब शेरों पर मुझे, बेताब शेरों पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शेर जापानी में है। ऐसा लगता है कि मेरा शेर जापानी में है, और क्या मिलेगी वो 3-स्टार होटल में जनाब, जितनी लज्जत मिलते हैदर की बिरयानी में। चूंकि आज कम टाइम है, मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ सकता, इसलिए तहत में पढ़ रहा हूं। जो भी दरख्ते बुग्ज़े अली में अटक गया, जो भी दरख्ते बुग्ज़े अली में अटक गया, वो शख्स राहे दीने खुदा से भटक गया। जो भी दरख्ते बुग्ज़े अली में अटक गया, वो शख्स राहे दीने खुदा से भटक गया, और कौसर की सिमत शेख जी लपके तो थे मगर साकी अली है देख के चेहरा लटक गया। शेख जी लपके तो थे मगर साकी अली हैं देख के चेहरा लटक गया। तो जो बाबे शहरे इल्म का शैदा हुआ नहीं, जो 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 बाबे शहरे इल्म का शैदा हुआ नहीं, उसका पिता है कौन किसी को पता नहीं।
नहीं। उसका पिता है कौन किसी को पता नहीं, तो ताउम्र उसकी नस्ल रहेगी अंगूठा टेक। ताउम्र उसकी नस्ल रहेगी अंगूठा टेक। कागज कलम रसूल को जिसने दिया ना, कागज कलम रसूल को जिसने दिया नहीं, कागज कलम रसूल को जिसने दिया नहीं, तो ये उस तरफ से कल्बे मुनाफिक पे चोट है, ये उस तरफ से कल्बे मुनाफिक पे चोट है। अल्लाह का अली को मुकम्मल सपोर्ट है, ये उस तरफ से कल्बे मुनाफिक पे चोट है। अल्लाह का अली को मुकम्मल सपोर्ट है और चलती है मुर्तुजा के इशारे पर कायनात, चलती है मुर्तुजा के इशारे पर कायनात। मौला अली के हाथ में सबका रिमोट है। मुर्तजा के इशारे पर कायनात, मौला अली के हाथ में सबका रिमोट है। तो हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है, हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है। घोड़े की नाल देख के बोले हिलाल है। भाई क्या कहना बाबा, बाबा हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है। घोड़े की नाल देख के बोले हिलाल है। तो भागे थे बरसों पहले ओहद से जनाबे शेख, लेकिन अभी पहाड़ पे दाढ़ी का बाल है। जनाबे शेख, लेकिन अभी पहाड़ पे दाढ़ी का बाल है। और एक कथा हजरत अबू तालिब के सिलसिले से हाजिर कर दूं कि मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मुझे काफिर बताया जा रहा है। मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मुझे काफिर बताया जा रहा है। मुसलमानों जरा होशियार रहना, तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। छुपाया जा रहा है, मुझे काफिर बताया जा रहा है। मुसलमानों जरा होशियार रहना, तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। अब ये मिसरा जो है जानशीने मुस्तफा काबे के अंदर आ गया। मैं कोशिश करता हूं कि मिसरे पर गैर तरही कलाम कहूं।
इसलिए कि मुझे आगे भी पढ़ना रहता है और तकरीबन 7 साल बाद इतनी मेहनत की है मैंने। समाप्त फरमाए एक एक शेर। ये फेसबुक यहूदियों का बनाया हुआ है। मरहब यहूदी था, आज भी वो लोग फतेह खैबर आप मनाते हैं ना, वो लोग यौम सोग मनाते हैं उस दिन, और ये कसम खाते हैं कि इस बेइज्जती का बदला हम लेकर रहेंगे, कसम खाते हैं। अब मैंने मतला कहा है, समाप्त फरमाए, उसके बाद देखिए कितना कीमती मतला है। मैंने बस इतना लिखा था, शाह खैबर आ गया। मैंने बस बस इतना लिखा था, शाह खैबर आ गया, ट्वीट मेरा देख के ट्विटर को चक्कर आ गया। मैंने बस इतना लिखा था, क्या कहना है, शाह खैबर आ गया, ट्वीट मेरा देख के ट्विटर को चक्कर आ गया, ट्वीट मेरा देख के ट्विटर को चक्कर आ गया। अब देखिए कितनी मेहनत की है। अगर कोई अंग्रेजी का टीचर यहां बैठा हो तो वो समझ सकता है। इस तरह हैदर स्लीपिंग, इस तरह हैदर स्लीपिंग इन द बैते किबरिया। जिस तरह परदेसी, जिस तरह जैसे परदेसी कोई परदेश से घर आ गया। ये सारे शेर मुझे याद हैं, लेकिन देख देख के इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि जहां जहां भी लोग देख रहे हैं, हमारे तस्लीम भाई तो जानते हैं कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, हर कोई नहीं जानता ना, तो अगर शेर याद करके पढ़ूंगा तो शक पैदा होगा, पता नहीं लिखना जानता है पढ़ना जानता है कि नहीं, इसलिए देख देख के पढ़ रहा हूं। इस तरह हैदर स्लीपिंग इन द बहते किबरिया, जैसे परदेसी कोई परदेश से घर आ गया। अवे अबू तालिब, मुबारक हो ये तोहफा आपको। मुबारक हो ये तोहफा आपको, गुलशन ईमा का ब्यूटीफुल फ्लावर आ गया। आपको गुलशन ईमा का ब्यूटीफुल फ्लावर आ गया, गुलशन ईमा का ब्यूटीफुल फ्लावर आ गया। हर शेर में मेहनत की है। समाप्त फरमाए, होता जो अजमेर मैं, आज के दिन होता जो अजमेर मैं तो पढ़ता ये मिसरा जरूर। तजमीन नहीं है, होता मैं अजमेर, होता जो अजमेर मैं तो पढ़ता ये मिसरा जरूर। हो मुबारक ख्वाजा वलियों का मिनिस्टर आ गया।
का मिनिस्टर आ गया और चुनाव चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ शेर उस तरह के भी हो जाते हैं कि चंद बरसों वाली सरकारों से क्या लेना मुझे, चंद बरसों वाली सरकारों से क्या लेना मुझे, चंद बरसों वाली सरकारों से क्या लेना मुझे, जिसकी लीडरशिप है महशर तक वो लीडर आ गया। बरसों वाली सरकारों से क्या लेना मुझे, चंद बरसों वाली सरकारों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा बोलते हैं, पढ़ने से पहले भूल गया था इसलिए अब किया है। इसका शैतान बोला क्या है? अरे बाप, चंद बरसों वाली सरकारों से क्या लेना मुझे, जिसकी लीडरशिप है महशर तक वो लीडर आ गया और जानशीने मुस्तफा काबे के अंदर आ गया। ए बुतो हो जाओ गेट आउट, इसी में खैर है। शेर देखिए क्या शायरी कर दी है भाईजान, देखिएगा सरकार क्या शायरी की है। मौला सलामत रखे मुझे। शायरी समाज फरमाए, जब अली ने अपने स्टूडेंट को आवाज दी, जब अली ने अपने स्टूडेंट को आवाज दी, आए फौरन जिब्राइल और बोले यस सर आ गया। अरे क्या स्टूडेंट को आवाज दी, आए फौरन जिब्राइल और बोले यस सर आ गया। देखिए शायरी, देखिए ऐसे शायरी होती है। लोग शिकायत करते हैं मजमा शेर नहीं सुन रहा, दाद नहीं मिल रही, शेर अच्छे होंगे दाद मिलेगी। हाजिर कर रहा हूं समाज फरमाए, दी के फेवर में अली जब आए हैदर की तरह, अली और हैदर दोनों इस्तेमाल किया है, बच्चे जानते हैं मैं बुजुर्गों के लिए बता रहा हूं, हैदर का मतलब शेर होता है। दी के फेवर में अली जब आए हैदर की तरह, दी के फेवर में अली जब आए हैदर की तरह, मुनकिरे तौहीद को 100 डिग्री फीवर आ गया। दी के फेवर में अली जब आए हैदर की तरह, मुनकिरे तौहीद को 100 डिग्री फीवर आ गया। और ये मेरे अलावा कोई कह भी नहीं सकता जो शेर मैंने कह दिया है। समाप्त फरमाए कि चार पाई पर गया वो जंग के मैदान से, चार पाई पर गया वो जंग के मैदान से, सामने हैदर के जो भी बॉडी बिल्डर आ गया। चार पाई
सामने हैदर के जो भी बॉडी बिल्डर आ गया, और मक्ते से पहले वाला आखिरी शेर पढ़ रहा हूं समाप्त में, देख के मरहब का चेहरा हंस के बोली जुल्फिकार, देख कर मरहब का चेहरा हंस के बोली जुल्फिकार, जान देने के लिए एक और मच्छर आ गया। देखकर मरहब का चेहरा हंस के बोली जुल्फिकार, जान देने के लिए एक और मच्छर आ गया, जान देने के लिए एक और मच्छर आ गया। लग रहा है कि ये मिसरे में शेर पढ़ रहा हूं। कब्र में बेताब जब पहुंचा तो ये बोले मलक, कब्र में बेताब जब पहुंचा तो ये बोले मलक, डोंट डिस्टर्बिंग। कब्र में बेताब जब पहुंचा तो ये बोले मलक, डोंट डिस्टर्बिंग, अली का खास नौकर आ गया। अरे मलक, कब्र में बेताब जब पहुंचा तो ये बोले मलक, डोंट डिस्टर्बिंग, अली का खास नौकर आ गया। और अब बस वही फरमाई जल्दी जल्दी मैं पढ़ दे रहा हूं, और उसके अलावा फिर इंशाल्लाह फिर कभी नहीं गड़बड़ हो जाएगा। मैं हाजिर कर रहा हूं जल्दी जल्दी एक छोटी सी नज्म है, शैतान नामा। एक जमाना था कि जब लोग कहते थे, हमारे जफर भाई भी कहते थे, यार क्या ये लोग पढ़ रहे हैं, मैं अब्बास हूँ, मैं ज़ैनब हूँ, मैं ज़ुल्फ़िकार हूँ। तो मैंने अपने किरदार पर नज़र डाली तो हमने कहा ये सब ठीक नहीं है, मैं कहता हूँ मैं शैतान हूँ। अब देखिए मैंने अपनी कसीदा खानी की है, समाप्त फरमाएं, लेकिन जिन लोगों के अंदर ये खराबियां हों बराए मेहरबानी वो बुरा ना माने, मैं हाजिर कर रहा हूँ। इसलिए खुद को कहा है मैं हूं शैतान, मैं हूं शैतान, मुझे झुक के करो तुम आदार। बूढ़े बरगद पे खिला सकता हूं मैं ताजा गुलाब, शेख मत समझे कि उनको नहीं बहका सकता, कौन कहता है मैं मस्जिद में नहीं जा सकता, शेख मत समझे कि उनको नहीं बहका सकता, कौन कहता है मैं मस्जिद में नहीं जा सकता, पूछो हवा से, पूछो हवा से कि शैतान की फितरत क्या है, वो बताएंगी तुम्हें मेरी सियासत क्या है। पूछो हव्वा से कि शैतान की फितरत क्या है, वो बताएंगी तुम्हें मेरी सियासत क्या है। मैंने फिरदौस में घुस कर उन्हें बहकाया था, मैंने फिरदौस में घुस कर उन्हें बहकाया था, फल खिलाकर उन्हें जन्नत से निकलवाया। मैंने फिरदौस में घुसकर उन्हें बहकाया था, फल खिलाकर उन्हें जन्नत से निकलवाया था, माहे रमजान में, माहे रमजान में घर कैद रहा करता हूं, माह रमजान में घर कैद रहा करता हूं,
अपने चेलों से सभी काम लिया करता। माह रमजान में घर कैद रहा करता हूं, अपने चेलों से सभी काम लिया करता हूं। गीबतें जो किया करते हैं वो लब मेरे हैं। गीबतें जो किया करते हैं वो लब मेरे हैं। आदमी थिएटर और टाकीज में सब मेरे हैं। क्या कहना है? गीबतें जो किया करते हैं वो लब मेरे हैं। आदमी थिएटरों टाकीज में सब मेरे हैं। सुबह को 4 बजे आता है जब वक्त सहर। सुबह को 4 बजे आता है जब वक्त सहर। रोजादारों को सुला देता हूं थपकी देकर। सुबह को 4 बजे आता है जब वक्त सहर। रोजादारों को सुला देता हूं थपकी देकर। दोस्त बनकर उन्हें हर तरह से बहकाता हूं। रोजादारों को मैं दुकान तलक लाता हूं। दोस्त बनकर उन्हें हर तरह से बहकाता हूँ। रोजादारों को मैं दुकान तलक लाता हूँ। आम खाता हूँ तो गुठली का मजा लेता हूँ। आम खाता हूँ तो गुठली का मजा लेता हूँ। मैं नमाजी को नमाजी से भिड़ा देता हूँ। आम खाता हूँ तो गुठली का मजा लेता हूँ। मैं नमाजी को नमाजी से भिड़ा देता हूँ। यूं गमे वारिसे आदम से जला करता हूँ। यूं गमे वारिसे आदम से जला करता हूँ। फतवे देने को मैं बेताब रहा करता हूँ। यूं गमे वारिसे आदम से जला करता हूँ। फतवे देने को मैं बेताब रहा करता हूँ। अंजुमन बाजी करा कर मैं सुकून पाता हूँ।